इसको ऑलरेडी पेन हो रहा है, जैसे पेन होता है टैप कर लिया करो, ठीक है, टैप करेगा पैर में, अब पेन होता है, मुझे पता चलेगा ना कितने तक देना थे। अब देखो ये वाली पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे हम क्या करते हैं, किक कर देते हैं, वरना जैसे डाउन गया आई विल किक ओके, पुश किया, इसे अगर अपनी तरफ को खींचोगे तो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो पोजीशन, देखो दूसरी पोजीशन ये है, आई जस्ट रेज माई नी, बहुत पेनफुल होगा, ऑलराइट, थ्रो हिम डाउन, तो टेक्निक क्या है, होल्ड, बूम, दिस इज, जैसे उसने पकड़ा वो डाउन जा रहा है, डाउन 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 बूम वन। अब मुझे मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पैर में मारूँ और चाहे खींच के, बस ये खड़ा है, देखो इसको हमने प्रेस किया तो डाउन जाएगा, जैसे डाउन गया बूम, दिस इज, सुनिए डाउन डाउन पे जाके फेंक के और निकल लो, बड़े देखते हैं कितने बढ़िया, डाउन चले जाओगे बस, ठीक है, हाँ ये वाला करो, होल्ड द एंड, यहाँ भी चले जाओ, पकड़ो, होल्ड करो, एक एक बार डेमो बाकी तो हमने घर में कर लिया, हाँ हाँ नाउ योर टाइम, ओके आप लोग करो बैठे क्यों परमानेंट, अब वहाँ पे जा जाके जो जहाँ पे कर रहा है ना प्रैक्टिस वहीं पे बना। ভালো করে দূরে দূরে অত ধরে গুড।
रखो कोनी अंदर टच करो, कभी भी खाली नहीं छोड़ना यहाँ, क्योंकि यहाँ एक हिट पड़ता है डाउन साइड, बहुत पेन होता है। अरे पता है ना इस पोर्शन में क्या होता है। अब मैं टच कर रहा हूँ, इधर टच कर रहा हूँ, हटा देगा, टच करो, हटा देना है। वो टच करने जा रहा है, फिर थप्पड़ मार के हटा ऐसे। सपोज करो अभी मैं इस हाथ पे बता रहा हूँ, ये हाथ मुझे हिट कर रहा है, पंच कर रहा है, पुश कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, होल्ड कर रहा है, मुझे क्या करना है, क्लीन कर देना उसे। क्लीन करो, एंट्री ले लो, हिट कर लो। जैसे इसने मुझे क्या किया, यहाँ से पुश कर रहे है, मैं इस साइड हूँ, मैंने इसे पुश किया तो मेरी जो पोजिशन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ऑलराइट, ऊपर है यहाँ पर, ये पोजीशन है। ओके, मैंने पुश किया ऊपर, हिट, पुश एंड हिट। क्लियर, समझ में आया? यहाँ से पुश करोगे, पुश, ये आप यहाँ पे पकड़ लो, होल्ड कर लो, पुश कर, पुश, ये होल्ड कर लो, और दिस साइड। ओके, हिट, हिट, ये वाली लाइन हमारा टारगेट क्या है, ये वाला लाइन, ये आगे की लाइन, एंट्री, पुश, हिट, बैक, ये वाला एल्बो। अगर हम किसी आदमी की कंट्रोल कर सकते हैं, वो पूरा आदमी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, तो हम किसी भी मूवमेंट में घुमा सकते हैं, एल्बो से पुल कर सकते हैं, बहुत ताकतवर आदमी को भी घुमा सकते हैं। पुश कर लो, हिट कर लो, हिट कर लो, और फिनिश इन, देन यू कैन रन। ओके, अच्छा, अब पहला रूल क्या बताया मैंने, पहला रूल क्या है, कीप योर हैंड्स अप एंड टारगेट द आई। मैं यहाँ पे हूँ, कोई मेरी तरफ को आता है, देख दिया, सीधे क्या करो, आई ही टारगेट करो। वो कितना बड़ा बॉडी बिल्डर भी है, एक बार आईज में लग गया तो 2-4 मिनट के लिए वो ब्लाइंडिंग हो जाती है आदमी।
तुम्हारे ऊपर काफ़ी तुम्हारा पेन है हाथ में, टारगेट क्या करना है, आईज ही टारगेट करना है, प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, हिट टारगेट, सिर्फ आईज ही टारगेट करनी है, ओके ना, हाथ ऊपर, फिंगर दिस, अब यू पुश हाथ आगे ला, यस, इस हाथ से, इससे पुश कर, हटा, यस, फिंगर से नहीं, इस जगह से पुश करेंगे, पुश करो और आगे जाओ, यस, यहाँ पुश नहीं हो रहा, पुश कर, हाँ गो, यस, अब हमें गर्दन पकड़नी नहीं है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ही क्या होगा, जब भी कोई अटैकर होता है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर या लंबा चौड़ा ही होगा, तभी तो अटैक करेगा, अब कोई मेरे से भी पतला आदमी है वो मेरे से अटैक नहीं करेगा, या तो हथियार से करेगा, क्या करेगा, हथियार से करेगा, ऑलराइट, सो जस्ट पुश एंट्री एंड हिट, चलिए चलो चलो, वन वन पुश करना है और इससे पुश कम, कोई आ जाए, ये आ जाए प्रदीप की तरह, देखो हम क्या करेंगे, जैसे प्रदीप पुश करो, ये पुश किया है, देखो पुश, इस हाथ को इधर रख लो, ओके, पुश किया, इस हाथ को आगे जाने दो, क्योंकि ये आईज को टारगेट कर रहे हैं हम, पर अभी आईज को मत करना, ओके, इधर कोई रखना अपना हाथ, ये पुश हो गया, यहाँ पहुँच गया, होल्ड कर लो इधर एंड हिट इधर, ये वाला हाथ, ओके, पांच, बूम, दिस इज एंड हिट, दिस इज एंड हिट, क्लियर क्लियर, चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, पहले एक का हाथ दूसरा पकड़ेगा ऐसे, होल्ड करो सारे, हाँ किसी से भी एक दूसरा इधर इधर क्रॉस में पकड़ लेना, नहीं दोनों नहीं पकड़ो, एक हाथ पकड़ना, देखो पहले इधर वाले देख लो जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर क्रॉस में हो जाएगा, इसने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना, इसे बिल्कुल सर्कुलर घुमा लेना है और इसको पकड़ लेना टाइट, जो फिंगर है ना, और ध्यान रखना है सारे, एक बार सुन लो पहले, सुन लो पहले, ये जो फिंगर है इस साइड की, ये फिंगर दूसरे के सरकने नहीं देनी है, उनको हम इस हाथ से दबा देते हैं, ये जो अंगूठा है, अंगूठा इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे और इसे अपनी बॉडी पे लाके, अपनी बॉडी पे लाएंगे, इधर को खींचेंगे और इसको पूरा घुमा के इन फिंगर से यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ओके, जब पकड़ने की कोशिश करेंगे दूसरे का पेन होगा तो उसे क्या करना है, बहुत ज़्यादा पेन देना नहीं, दूसरे को अगर पेन होता है तो ऐसे हाई में ऐसे टैप कर लेना, हाथ में हाई में ऐसे टैप कर लेना दूसरे को, मुझे पेन हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इसको खींच रहा हूँ तो उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, खींच के ऐसे दर्द होगा उसको टैप कर लेना, अपनी बॉडी की तरफ खींचो, राइट, वो अगर पकड़ता है ओके, करो एक दूसरा हाथ पकड़ो, यस, ऐसे अब अपनी तरफ फिंगर से खींचने की कोशिश कर, यस, पेन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसने क्या कर दिया, अपनी चुन्नियाँ ऊपर कर दी, तो हमने नीचे डाउन रख लिए, ऐसे घुमाना, देखो ये सेंटर लेके घुमा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर, अभी धर को पाबो, कुछ और भी देती तो, ओ ना,
सही से बैठ, पहले सही से बैठ के कर। यहाँ ऑलराइट टैप कर दे, दूसरे हाथ से टैप, हाँ करो घुमा, यस इस साइड नहीं, दबोचना मतलब हिलने नहीं देना ये। सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद का क्या होता है सेल्फ में? खुद का। और डिफेंस क्या होता है? खुद का बचाव। तो इसमें आती है सबसे पहला जो स्टेप है वो है अवेयरनेस। क्या है? अवेयरनेस कि मैं अवेयर हूँ अपने बारे में या नहीं हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, कहाँ पर हूँ। अगर मैं इस बारे में अवेयर हूँ तो मुझे फाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हो जाएगा, मैं पहले से ही बचा हुआ हूँ। ग्रीन रेड येलो सिग्नल, क्या बोलेंगे? ग्रीन रेड येलो सिग्नल। ग्रीन का मतलब है सब कुछ ओके चल रहा लाइफ, मीन्स मैं घर में बैठा हुआ हूँ, आराम से बैठा हूँ। अब ये कलर कहीं पर भी चेंज हो सकता है। मैं घर में हूँ, अकेला हूँ, मेरा घर कहीं कोने पर है और मैं दरवाजे खोल के सो गया हूँ, तो क्या होगा? मैं अब रेड सिग्नल में हूँ, मीन्स अब वहाँ पे कलर क्या है? रेड। मीन्स अब मैं डेंजर कभी भी मुझे मेरे सामने आ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा है तुम्हारा येलो। येलो में तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है। जैसे हमेशा आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो हमेशा येलो में ही चल रहा है, वो सड़क पे है वो भी, वो किसमें है? येलो कलर। ये मान के चलो अभी येलो कलर है वहाँ, मुझे प्रिपेयर रहना, मेरे पास एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ में आना चाहिए कि जो बैग है मेरा वो बहुत प्रोटेक्शन वाली चीज़ है। जैसे बैग पैक लेके चलते हैं ना, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है। अगर कोई किसी वेपन से मार रहा है तो तुम उसको आसानी से बचा सकते हो। सोच के चलो मेरे पास बैग है, कोई मुझे मार रहा है, कोई स्पीड से मार रहा है बहुत ज़ोर से, तो मैं कम से कम बैग तो आगे लगाऊंगा, तो मैं बच सकता हूँ, भाग सकता हूँ और फाइट बैक कर सकता हूँ बैग के द्वारा। बैग पे हिट लिया और फाइट बैक किया, ठीक है। मैं ऐसी जगह पे जाऊँगा नहीं, खुद को ऐसी परिस्थिति में डालूँगा नहीं जहाँ से मुझे लड़ना पड़े या मुझे वेपन यूज करना पड़े। और लाइफ में जितना अच्छा लगता है वेपन चलाना, उसे यूज़ करना लाइफ में अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी उसकी, तो बहुत बुरा वक्त होता है। कभी किसी को हथियार चलाने की ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब क्या होगा? बुरा टाइम है तभी उसे चलाना पड़ रहा है। किसी की जान लेना कोई आसान काम थोड़ी, और ना ही जान देना आसान काम है कोई आसान काम। तो ऐसी परिस्थिति में ही हमें क्या नहीं करना, पढ़ना नहीं है। तो पहला वर्ड क्या है? अवेयरनेस। क्या होनी चाहिए मुझे? अवेयर होना चाहिए मुझे, तब जाके क्या होगा, मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन लीक होना। अगर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन लीक की, अगर इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, हमारे बारे में लोगों को पता है, तो इन्फॉर्मेशन यू
फैमिली के बारे में, ना अपने बारे में, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ फैमिली को पता होना चाहिए, फैमिली के अलावा किसी को बता के कहीं अगर तुम जाते हो तो उसमें क्या होगा, फंस सकते हो। वो उसको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करेगा, फंसा लेगा। जैसे कि तुम लोग बर्थडे मनाने क्या हो गए, कहीं निकल गए, नानक मत्ता चल गए, फेमस जगह तुम्हारी है ना, और घर वालों को बोल के गए हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन। घर वालों को क्या बोला है, मैं जा रहा हूँ बेटा, इनको जा रही हूँ ट्यूशन, और चल दिए। अब क्या होगा उसमें, जो तुम्हारे साथ में गया है, गई है, उसको पता है कि इसके घर में क्या है, मिस। तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को यूज करना सीखना है, जैसे कि इनके एक चेयर है यहाँ पर, तो ये मेरा प्रोटेक्शन यूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, मैं चेयर के इस साइड खड़े होकर इसको बोलूँगा मुझे मत मारो, इससे बेटर है मैं इधर से मार लूँ, ये चेयर ही बीच में लगा लूँ, एक दो हिट तो लेगी इस पर चेयर, मतलब मैं 5-7 सेकंड तो बचूंगा। और लाइफ का जब डू एंड डाई सिचुएशन होती है तो वहाँ पे 5-7 सेकंड की ही बात होती है। तो अगर मुझे 5 एंगल्स ऑफ अटैक समझ में आते हैं तो एटलीस्ट मैं खुद को 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट दूसरे को इंटिमिडेट कर सकते हैं। जब हम फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, दूसरा आदमी मुझे मारने आया है तो उसे क्या लग रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, वो कॉन्फिडेंट है, बट जब उससे आप फाइट बैक करोगे तो उसका प्लान क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा वहाँ पे। बट इन्फॉर्मेशन लीक कि उसके घर में कोई नहीं है, वो सिंगल है, अकेली है, इतनी देर अकेली है, ये इन्फॉर्मेशन उस आदमी के पास रही होगी ना। अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, उसके दिमाग में रहता, कोई भी कभी भी आ सकता है, तो क्या वो जाता वहाँ, नहीं। इसलिए अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन या अपने घर के आसपास ऐसा आदमी जो कि कभी फ्रिक्वेंट ना आता हो, अगर तुम्हें ऐसा कोई दिखता है गली में, मोहल्ले में, सड़क पे, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो बी रेडी, ओके। ऐसा नहीं कोई मेरा पीछा कर रहा हो, मैं गली में भाग गया कहीं अंधेरे में, तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आप अटैक करने। इससे बेटर क्या है, मैं किसी शॉप पर जाके खड़ा हो जाऊँ, वहाँ पर वो आदमी क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। ऑलराइट, बट पंचिंग से बेटर होता है स्लैप। यहाँ हम बहुत काफ़ी हद तक झेल सकते हैं हाथ में पंच। किसी को मारोगे उसके लिए कंडीशनिंग चाहिए, ओके। किसी को मारोगे अपने हाथ में लगेगी, लगती नहीं लगती, अपने ही दो पंच ऐसे करके देख लो, लगेगी तुम्हें। ऑलराइट, तो हमें ये देखना है कि हम हिट किससे कर सकते हैं, ज़्यादा इस पोर्शन से हिट करेंगे, समझ में आ गया। अब हम सब क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चंदन तुम लोग क्या कर लो, कितनी लाइन बना लोगे, 1-3 लाइन। देखो हाथ मैंने क्या कहा, ऐसे रखा हुआ है, रखो कोनी अंदर टच करो, कभी भी खाली नहीं छोड़ना यहाँ, क्योंकि यहाँ एक हिट पड़ता है डाउन साइड, बहुत पेन होता है इस पोर्शन में, क्या होता है, बहुत पेन होता है। ऑलराइट, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ प्रोटेक्ट करना है डाउनवर्ड। अब कोई कोई एंट्री ले रहा है उसका, अब देखो हर मार्शल आर्ट में अलग अलग क्या है टेक्निक्स हैं, टेक्निक है सब में काम करती है, ओके। कोई मुझे क्या कर रहा है, सिंगल हैंड से पुश कर रहा है, ओके, आई विल क्लीन इट, मैं उसे क्या कर लूँगा, क्लीन कर लूँगा। दोनों हाथ से पुश कर रहा है, मुझे दोनों हाथ से भी क्लीन ही करना है, समझ में आ रहा है। कोई मुझे क्या कर रहा है, पुश क्लीन दिस साइड, जो हम अभी हिट कर रहे थे वही वाला हिट हमें यूज कर रहे हैं। कोई आया, पुश हिट एंड हिट ऑन फेस, ओके। यही तुम इस साइड, मेरा हाथ इधर है, ये हाथ आता है, पुश कर दो एंड हिट फिनिश। दोनों हाथ से पुश करता है, दोनों हाथ आ रहे हैं, एक साइड को जाना है और पुश कर लेना है, सेम थिंग। यहाँ पे भी क्या है, सेम ही कर रहे हैं, तो बस हमें पुश करना सीखना है, ओके। अब अपने आज जो अगल बगल खड़े हैं, अपने एक एक टीम बना लो फटाफट, टीम अप हो जाओ, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, इसके साथ टीम अप। अब करना क्या है तुम्हें, देख लो एक बार, देखो एक दूसरे को ऐसे शोल्डर में पुश करोगे और इस हाथ से क्या कर लेना, दूसरे को हटा देना उस हाथ से, क्लियर।
टच करो, हटा दोगे। अब मैं टच कर रहा हूँ, इधर टच कर रहा हूँ, हटा देगा। टच करो, हटा देना है। दिस इज हटाओ, यस, सिंपल। समझ में आ गया?